दोस्तों मी टेन यू थ्री एडिशन फाइनली चाइना में लॉन्च हो चुका है। आप देख सकते हो ये हैंड्स ऑन वीडियो है मी टेन यू थ्री एडिशन का फर्स्ट इंडिया में। आप देख सकते हो मी टेन यू थ्री एडिशन में 5 कलर वेरिएंट मिलता है। ये जो कलर है ये है ऑरेंज स्टॉर्म कलर वेरिएंट। फ़ोन आप देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है फ़ोन। इस फ़ोन के बारे में सारा का सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों फाइनली मी टेन यू थ्री एडिशन चाइना में लॉन्च हो चुका है और ये फ़ोन बहुत ही दिनों से इसका लीक्स और रिमर्स बाहर निकल के आ रहा था, लेकिन ये ऑफिशियली चाइना में लॉन्च हो चुका है। इस फ़ोन के बारे में बात करें तो ये फ़ोन एक चीपेस्ट 5G फ़ोन होने वाला है जाओमी की तरफ से, और ये हायर पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडिया में ये फ़ोन पोको F2 बन के आएगा। इस फ़ोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे खास फीचर देखने को मिलेगा। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो सारा का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है गौरव और फोन बेना में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके फ़ोन के बारे में, तो पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। दोस्तों इसके डिस्प्ले में आपको 6.57 इंच का एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि HDR10+ और Gorilla Glass 5 का भी इसमें सपोर्ट मिलता है आपको। दोस्तों इसमें कोई भी 90Hz या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट नहीं दिया गया है। इसमें आपको नॉर्मल डिस्प्ले दिया गया है जो कि 60Hz का। दोस्तों डिस्प्ले के डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो डिस्प्ले में आपको कोई भी पंचोल डिस्प्ले जैसे कि आज का ट्रेंडिंग चल रहा है वो ऐसा वाला डिस्प्ले आपको नहीं मिलने वाला है इस फ़ोन में। आपको नॉर्मली एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा और डिस्प्ले में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं और इसके कैमरा के बारे में बात करूँ तो इसके रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि 48 MP प्राइमरी कैमरा, 1.8 aperture के साथ, और 3 कैमरा है जो कि 2 कैमरा 8 MP, एक अल्ट्राइड कैमरा और एक टेलीफोटो लेंस, जिसमें आपको 50x हाइब्रिड जूम और 5x ऑप्टिकल जूम का भी सपोर्ट मिलता है। और जो लास्ट वाला कैमरा है जो है 2 MP का एक मैक्रो कैमरा। इसके रियर कैमरा में आपको OIS 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग और 720 और 960fps पे आप सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। और फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो फ्रंट में आपको नॉर्मल एक 16 MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में आपको वेलकम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर मिलेगा जो कि एक डिसेंट 5G चिपसेट है। इसमें आपको 5G का भी सपोर्ट मिलेगा इस फोन में। आगे बढ़ते हैं और बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी के लिए इस फोन में आपको 4160 mAh का बैटरी दिया गया है जो कि 22.5 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है जो आपकी बैटरी को बहुत ही तेज़ी से चार्ज करेगा। रैम और स्टोरेज की बात करूँ तो इस फोन में आपको 2 वेरियंट मिलेगा रैम के लिए जो कि 6GB 8GB जो कि रैम टाइप है LPDDR4X। और स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए आपको 128GB 64GB और 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा जो कि UFS 2.1 टाइप। एंड्रॉयड और OS की बात करें तो एंड्रॉयड के लिए आपको एंड्रॉयड 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और OS के लिए आपको MIUI आपको देखने को मिलेगा इस फोन में आपको। दोस्तों लास्ट में इस फोन के प्राइस के बारे में बात करूँ तो प्राइस के लिए इस फोन के जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB इसका प्राइस है 2099 yuan। अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 22,500 के आसपास पड़ जाता है इसका प्राइस। दोस्तों और भी 3 वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा जो कि 6GB 128, 8GB 128GB और लास्ट में 8GB 256GB। दोस्तों ये थी मी टेन यू थ्री एडिशन की पूरी कहानी। तो हायर पॉसिबिलिटी ये है कि ये फ़ोन इंडिया में पोको F2 बन के बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। दोस्तों आगे क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।